बिना मांगे कितना कुछ देती है प्रकृति। हवाओं की सरसराहट, पेड़ों पर फुदकती चिड़ियों की चहचहाट, नदियों की लहरों का शोर, बारिशों में नाचते सुंदर मोर, भंवरों की गुनगुनाहट, तितलियों का इठलाना, पक्षियों का शोर करना, कभी झूम झूम कर गाना, बिना मांगे कितना कुछ देती है प्रकृति। हेलो फ्रेंड्स, फाइव क्लस ऑफ ट्रैवल के इस नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। शहरों के लोगों को किसी चीज़ की कमी सबसे ज़्यादा खलती है तो वो है प्राकृतिक सौंदर्य। और अगर दिल्ली में आप किसी ऐसी जगह की तलाश में हैं तो आज समझिए आपकी यह तलाश मुकम्मल हुई, क्योंकि फाइव क्लस ऑफ ट्रैवल के इस नए व्लॉग में आज हम आपको लेकर चल रहे हैं दिल्ली की एक ऐसी ही खूबसूरत जगह जो पूरी तरह प्रकृति को समर्पित है, दिल्ली का यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क। दिल्ली में बायोडाइवर्सिटी पार्क का कारवां सन 2002 में शुरू हुआ था। पहला पार्क यमुना डाइवर्सिटी पार्क के नाम से ही शुरू हुआ। इसके चलते ही राजधानी में साफ आबोहवा और जीव जंतुओं की संख्या भी लगातार बढ़ती दिखाई दी और आज आपको इस पार्क में अनेकों जीव जंतुओं की अलग अलग स्पीशीज दिखाई देगी। आपको बता दें कि दिल्ली में कुदरत को करीब से देखने का इससे बेहतर और कोई ठिकाना नहीं है। इस पार्क में एंट्री फीस बिल्कुल निशुल्क है। यह पार्क वजीराबाद के जगतपुर गांव में स्थित है। आप यहां बस से, ऑटो से या कैब से आसानी से पहुंच सकते हैं। इसके अलावा आप अपने पर्सनल व्हीकल से भी गूगल मैप की सहायता से यहां तक आसानी से पहुंच सकते हैं। जैसे ही आप पार्क के अंदर एंटर करेंगे, आपको यहां चारों तरफ पेड़ पौधों से घिरी ग्रीनरी दिखाई देगी। शहर से दूर शांत और प्रकृति के करीब जाने का यह सुकून आपको दिल्ली में शायद ही कहीं और देखने को मिले। 457 एकड़ में फैला यह पार्क न केवल प्राकृतिक सौंदर्य के लिहाज से बल्कि कई अन्य मायनों में भी खास है। इस पार्क में आपको काफ़ी कुछ सीखने और देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ तितलियों से लेकर अन्य सभी जीवों की नेटिव स्पीशीज का जमावड़ा लगा रहता है। आपको बता दें, यहाँ दिन में दो बार फ्री गाइडेड टूर मिलता है, सुबह 11 बजे और शाम को 3 बजे। कोशिश करें आप इस टाइमिंग से आधा घंटा पहले यहाँ पहुँच जाएं। इसी पार्क में लगभग 20 साल से बतौर गाइड काम कर रहे रविंद्र सिंह ने यहाँ लगातार होने वाले कायाकल्प के बारे में हमें विस्तार पूर्वक बताया। तो ये जो बायोडाइवर्सिटी पार्क बना हुआ है, सन 2002 से इसकी शुरुआत हुई थी। ये हम एक वेटलैंड आपको दिखा रहे हैं, जो वेटलैंड हम लोगों ने बनाई है। वेटलैंड के अंदर बाहर से जो पक्षी आते हैं, साइबेरिया पक्षी बोलते हैं इनको, ग्रेट कॉर्मोरेंट भी इसके अंदर है, डॉटर भी है, और जो आप देख रहे हो इसमें ब्लू भी है, बहुत सारे पक्षी आते हैं इसके अंदर। तो ये इसलिए आते हैं वहाँ से क्योंकि वहाँ पर खाना नहीं मिलता है, और जहाँ पर खाना मिलता है तो पक्षी वहीं पर ज़्यादा आएंगे, तो वहाँ पर जम जाती है बर्फ वगैरह की। तो जो इकोसिस्टम होता है, जो एक फूड चैन जैसे रिस्टोर हुआ पड़ा है हमारा पानी, इसकी वजह से यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पक्षी आते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर हर वैरायटी का अलग अलग पेड़ है, हर तरीके का अपने पेड़ बनाया है यहाँ पर, ताकि हम लोगों को एयर मिल सके, अच्छी शुद्ध हवा मिल सके। अगर पेड़ पौधे नहीं है तो हवा भी नहीं है, हम लोगों का जीवन ही पेड़ पौधों से है। तो एक बायोडाइवर्सिटी जो पार्क हमने बनाया है, इसलिए बनाया है कि लोगों को इससे बहुत सारी चीज़ें मिले, पक्षियों के लिए यहाँ पर रहने के लिए जगह मिले। लेपर्ड भी आया था 2016 में यहाँ पर, तो उसको भी हमने एक 1.5 महीने था कि ये पूरा तैयार हो चुका है। जो फ्लड जोन हमारा जो भी ये पार्क जो यहाँ पर बना हुआ है, हमने इसको पूरा तैयार कर रखा है। आज के समय में ऐसे पार्क नहीं मिलेंगे। आपको यहाँ औषधीय और जलीय पौधे और घास की लगभग 850 प्रजातियाँ, तितलियों की 80 प्रजातियाँ, ड्रैगन फ्लाई की 31, रेप्टाइल की 17, स्तनधारी जीवों की 22, मछलियों की 18 और अन्य जीव जंतुओं की लगभग 400 प्रजातियाँ इस बायोडाइवर्सिटी पार्क में देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा कई नेचर एजुकेशन के छात्र छात्राएँ और उनके ग्रुप्स भी अपनी रिसर्च और नई नई स्पीशीज की स्टडी करने यहाँ आते हैं। ऐसे ही हमें यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे विद्यार्थियों का एक ग्रुप मिला,
जो अपने एजुकेशनल ट्रिप पर यहाँ आया हुआ था। हमने उनके टीचर से और कुछ विद्यार्थियों से उनके अनुभवों के बारे में जाना। इकोसिस्टम यहाँ पर पहले एक इकोसिस्टम था, लेकिन ड्यू टू डिफरेंट फैक्टर्स ये ऑलरेडी स्पॉयल हो चुका था। यहाँ पर कुछ भी एक प्लांट्स भी यहाँ पर ग्रो नहीं कर पा रहे थे, बट ड्यू टू देयर प्रोफेसर बाबू या देयर टीम दे हैव अप्लाइड सम टेक्नोलॉजी दैट इज फाइटोरेमेडिएशन, बायोरेमेडिएशन, और यहाँ पर टोटल एवरीथिंग इज दे आर डूइंग बाई नेचुरल प्रोसेस, और ये लोगों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वी नीड फ्रेश एयर, फ्रेश हम लोगों को वाटर की भी कमी हो रही है, तो यहाँ पर आपको सारे कुछ जो है एजुकेशनल पर्पज़ के लिए यहाँ पर सारे हमको मिलता है कि हाउ द फॉरेस्ट, हाउ द वेटलैंड्स, दे हेल्प आवर, दे गिव मेनी टाइप ऑफ सर्विसेज लाइक सॉइल कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। सो दिस इज अ ब्राइट एग्जाम्पल ऑफ टू रेज द अवेयरनेस अमंग द स्टूडेंट। वर्षा और मैं भारती कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, बीकॉम ऑनर्स में पर्स्यू कर रही हूँ, और आज हमारी ईवीएस वाली टीचर के साथ हम आए हैं यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क में, और हमें डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे जो प्लांट्स हैं वो बताए जा रहे हैं, और ये बताया गया कि ये लैंड पहले कितनी बैरन थी और अब इस पर कैसे प्लांट्स ग्रो हुए हैं, और इतने इधर के जो एनिमल्स हैं और जो बर्ड्स हैं उनके बारे में पता चला, कि जैसे कि ये भी पता चला कि पैरट को पैराकट कहते हैं, ये सब और बहुत सी चीज़ें अभी एक्सप्लोर भी कर रहे हैं हम आगे। यमुना का यह वेटलैंड जो कि घनी आबादी के बीचों बीच बसा है, अपने इकोलॉजिकल वेरिएशन के कारण यहाँ आने वाले लोगों को हैरान कर देता है। यमुना के लिए यह पार्क जिंदगी की सांसें देने का काम कर रहा है। आज यह पार्क एक उदाहरण है जिसने सबको यह बताया है कि हम नदियों को, झीलों को आज भी जिंदा कर सकते हैं, और प्रकृति को बचाने का इससे अच्छा और खूबसूरत तरीका क्या ही हो सकता है। तो दोस्तों, आज के सफ़र में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए व्लॉग में किसी नई डेस्टिनेशन पर। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। नमस्कार।